हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम बना रहे हैं आपके लिए मक्की का मेथी वाला पराठा। देखो, ये हमने आटा बनाया है। इसमें हमने 2 कटोरी मक्की का आटा लिया है और हमने पौनी कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसमें हमने मेथी डाल लिया है, उसको अच्छे से बारीक काट के 2-3 बारी पानी से धो लिया है। आधा चम्मच अजवाइन डाल लिया है, नमक डालना है, 2 हमने हरी मिर्च डाली है, थोड़ी सी हमने लाल मिर्च डाली है, 2 चम्मच हमने इसमें दही डाला है, 1 चम्मच हमने इसमें ऑयल डाला है। इससे पराठा बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। देखो, हम आपको नए तरीके से सिखाएंगे पराठा बनाना, बड़ी आसानी से बन जाता है। जिसको नहीं आता वो भी बनाएगा। तो हमने चकले पे थोड़ा सा ये सूखा आटा डाल लिया है। आप मक्की का भी डाल सकते हो और गेहूं का भी डाल सकते हो। थोड़ा सा ये मैं अपने हाथ में लगाऊंगी और इसको बनाऊंगी पराठा। ऐसे फैलाते हुए इसको पराठा बनाए हैं। देखो कितना अच्छा पराठा बना है हमारा। आप इसके किनारे ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि किनारों से पराठा कच्चा रह जाता है और फिर खाने में मज़ा नहीं आता। आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। सर्दियों में मेथी गर्म होती है, मक्की भी गर्म होती है, मेथी का पराठा ज़रूर खाएं। आप इसको दही के साथ, चाय के साथ, अचार के साथ कैसे भी खा सकते हो। देखो मेरा पराठा कितना अच्छा बना है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। मक्खन के साथ मेथी वाले पराठे ज़रूर खाएं। आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तब भी, नहीं किया तब भी थैंक यू, टेक केयर। ये हम दही में थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी लगता है।